हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ, क्या प्रेगनेंसी में ग्लूकोन डी पीना ठीक है या नहीं। बहुत सारी महिलाएं ये क्वेश्चन करती हैं कि हमें पानी की कमी लगती है तो क्या हम ग्लूकोन डी पी सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ कि आपको ग्लूकोन डी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, और अगर आपको ग्लूकोन डी पीना चाहिए तो इसकी मात्रा का आपको किस तरीके से ध्यान रखना है। उससे पहले फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको प्रेगनेंसी के दौरान पानी पीने की सलाह दी जाती है कि आपको अधिक से अधिक पानी पीना है, क्योंकि आपके बच्चे के शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट, आपके पेट में जब बच्चा बनता है तो बच्चे को पानी की बहुत अधिक मात्रा की जरूरत होती है। तो एक गर्भवती महिला को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन अब बात आती है कि क्या हमें प्लेन वाटर पीना है या हम पानी में कुछ डालकर भी पी सकते हैं। तो अगर आप अपने प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में हैं, अगर आपके शुरू के 2 या 3 महीने हुए हैं, तो आप अपनी मर्जी से ही पानी में नींबू चीनी, आप कह सकते हैं कि आप शिकंजी बनाकर पी लीजिए, तो आप इस तरीके से चीनी का भी अधिक सेवन नहीं कीजिए, ना ही पानी में हमेशा ग्लूकोन डी डालकर पीजिए। आपके शरीर के लिए पानी क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आपका बच्चा जिस पानी में रहता है, जो एमनियोटिक फ्लूड होता है बच्चा उसमें रहता है, जिससे कि बाहरी जो आपको झटका लगता है, कुछ भी लगता है या किसी भी चीज से बच्चे को बचाने के लिए एमनियोटिक फ्लूड की जरूरत होती है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो आपके बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो अब बात आती है कि ग्लूकोन डी डालना सेफ है या नहीं। आप अपनी मर्जी से कभी भी ग्लूकोन डी का सेवन ज्यादा ना करें। कभी कभार आपने एक आध बार ले लिया तो उससे आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन क्या होता है कि जिसका पहला ट्राइमेस्टर चल रहा है तो अभी बहुत सारे चेकअप होने जरूरी होते हैं। आपकी बॉडी में डायबिटीज की मात्रा कितनी है, शुगर की मात्रा कितनी है, सब चीजें चेक होती हैं। तो उसके बाद ही आपका जो डॉक्टर है वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको कितनी शुगर लेनी है या अवॉइड करनी है। और ग्लूकोन डी में बहुत अधिक मात्रा में शुगर होती है तो आपको अपनी मर्जी से कभी भी ग्लूकोन डी का सेवन नहीं करना है। आपको कब करना है या कब नहीं करना है, जब आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करे कि आप ग्लूकोन डी पी सकते हैं, आपके शरीर में पानी की कमी है, तब आप ग्लूकोन डी का सेवन करें। वैसे तो जो ये ग्लूकोन डी आते हैं वो अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, ये डॉक्टर कभी भी सजेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपके शरीर में पानी की कमी भी है तब भी आपके डॉक्टर आपको छोटे छोटे शैशे आते हैं वो आपको देते हैं कि आप इसको पानी में डालकर पीजिएगा, इससे आपके शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाएगी। अगर आपके शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा नहीं है तब आपके डॉक्टर आपको एक दिन छोड़कर एक दिन वो शैशे पीने की सलाह देती है। पानी की कमी ज्यादा है तो दिन में 2 बार पीने की भी सलाह देती है। वैसे ये नुकसान नहीं देते हैं जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, लेकिन ग्लूकोन डी डॉक्टर नहीं बताते हैं, इससे आपके बच्चे को हानि भी हो सकती है। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने कभी भी मुझे ग्लूकोन डी पीने को नहीं बोला था। जब 7वां या 8वां महीना चल रहा था तब उन्होंने मुझे छोटे छोटे जो शैशे आते हैं पानी में डालकर पीने के, जिससे कि बच्चे के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूड जो होता है, जो पानी होती है, उसकी कमी ना हो, तो डॉक्टर ने मुझे वो शैशे सजेस्ट किए थे, तो मैंने वो लिए थे। ग्लूकोन डी मैंने तब भी नहीं पिया था। ग्लूकोन डी ऐसा नहीं है कि अगर आप पी लेंगे तो आपके बच्चे को बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा, लेकिन इसमें शुगर की मात्रा अधिक होती है इसलिए इसको सजेस्ट नहीं किया जाता है कि आप इसका सेवन करें, क्योंकि शुगर आप बहुत सारी चीज़ों से ले रहे होते हैं। आप खाना खाते हैं, आप दूध पीते हैं या कोई मिठाई भी आप खा रहे हैं, फलों का जूस पी रहे हैं, तो सभी चीज़ों में शुगर की मात्रा होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ग्लूकोन डी पी रहे हैं तो केवल उसी से आपके शरीर में शुगर की मात्रा जा रही है। आप खाने में जो भी खाते हैं सब चीज़ों में थोड़ी थोड़ी शुगर की मात्रा होती है। फलों के जूस में अच्छी शुगर की मात्रा होती है, तो इसलिए आपको ग्लूकोन डी पीने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर आपको बहुत ही अधिक कमजोरी लग रही है, आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो आप तब 1 या 2 बार ले सकते हैं, लेकिन जितना कोशिश हो आप इसका सेवन ना करें।
तो अगर आप पानी प्लेन नहीं पी पा रहे हैं, आप बहुत अधिक पानी पी रहे हैं लेकिन प्लेन पानी आप अब नहीं पी पा रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकती हैं, नींबू पानी आप ले सकते हैं। केवल डॉक्टर की सलाह से ही आप ग्लूकोन-डी का सेवन करें। अगर आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट करती है कि आप दिन में 2 बार या दिन में 3 बार या दिन में 1 बार ग्लूकोन-डी का सेवन कर सकते हैं, तभी आप ग्लूकोन-डी का सेवन करें। अदरवाइज आप ग्लूकोन-डी का सेवन केवल अपने मन से ना करें, ये आपके बच्चे के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो आज का वीडियो दोस्तों मेरा बहुत छोटा सा केवल इसी टॉपिक पर था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर। थैंक यू। नमस्कार।